जिला विकास समन्वय और निगरानी समिति की बैठक में उस वक्त गहमा गहमी का माहौल हो गया जब लालकुआ विधायक और नैनीताल डीएम के बीच तीखी बहस हो गई, जबकि सांसद अजय भट्ट बीच में बैठे हुए थे। आखिर में सांसद अजय भट्ट के हस्तक्षेप पर मामला शांत हुआ। दरअसल काठगोदाम सर्किट हाउस में नैनीताल उधम सिंह नगर सांसद अजय भट्ट की अध्यक्षता में दिशा की बैठक हुई, जिसमें पूरे जिले के अधिकारी शामिल हुए। लेकिन बैठक के बीच सांसद अजय भट्ट के सामने ही लालकुआ विधायक मोहन सिंह बिष्ट और नैनीताल जिलाधिकारी वंदना सिंह के बीच आपस में बहस हो गई, जिससे कुछ देर के लिए माहौल गर्मा गया। पूरा मामला आपदा के तहत गौला नदी में चैनलाइजेशन से जुड़ा हुआ है, जिसमें सिंचाई विभाग की ओर से वर्तमान में पोकलैंड लगाकर काम किया जा रहा है। ऐसे में विधायक मोहन सिंह बिष्ट ने सिंचाई विभाग को काम दिए जाने को लेकर आपत्ति जताई, जिस पर डीएम वंदना सिंह का कहना था कि उनकी ओर से वन विभाग को काम किए जाने को कहा गया है, जिसे लेकर सांसद अजय भट्ट के सामने ही काफी देर तक विधायक मोहन बिष्ट और डीएम वंदना के बीच जमकर बहस हुई। मामला गर्माता देख सांसद भट्ट को कहना पड़ा कि आखिर जिले में चल क्या रहा है। वही नैनीताल डीएम वंदना सिंह का कहना था कि इस तरह के हंगामे से कोई काम नहीं चलेगा। ऐसे में सांसद अजय भट्ट ने हस्तक्षेप कर पूरे मामले को शांत कराया। मैं तो चाहूँ किसी को, मैं तो काम जा रहा हूँ बस, मुझे तो केवल काम से मतलब, मुझे कोई विवाद से मतलब नहीं है ना। ठीक है, मैं आपका बिल्कुल आरोप नहीं लगा रहा हूँ। मैंने उस दिन सबसे पहले तो मैंने इसी बात को आपसे कहा कि उस दिन जब कहा था कि ये बात की बात है, इनको मैंने कहा कि बिंदु सत्ता में वन विभाग को धनराशि जारी हो रही है, आपका निर्णय है, आप खुद करना चाहेंगे तो खुद करेंगे। इनका मैसेज मेरे पास रिप्लाई आया कि बिंदु सत्ता में सिंचाई विभाग द्वारा काम कर दिया गया है, माननीय विधायक जी के द्वारा एक और अतिरिक्त काम बताया गया है, उसके संबंधित में भी कार्रवाई करी जाएगी। ये उनका के साथ अभी लेकिन उखड़ते 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 तो फर्श तक फर्श आ रही है। आप इसमें काम कर रहे हो क्या? वर्तमान हमने मशीन लगा दी सर, आप देखते हुए जो भी आपने किसके कहने पर लगाई? ये कुछ आते थे उन्होंने पत्र दिया हमको। किन्होंने? ये कुछ आते क्या कहा? जो पत्र में लिखा हुआ सर, जहाँ उसका अनुसार कार्यवाही करें। हु इज कॉम्पिटेंट अथॉरिटी? कौन कौन सेक्शन अथॉरिटी है आपको ऐसा लिख के देने के लिए? ये वो है लिख के देने के लिए? जी सर जी, तो जब दे रखा तो फिर काम कर दोबारा करो। मैं कोई आपत्ति नहीं जता रहा हूँ, मैं केवल ये कह रहा हूँ कि काम जल्दी कर रही है, बस मैं केवल इतना कह रहा हूँ। मेरी और कोई आपत्ति नहीं, मेरा अध्यक्ष ही डिसीजन है, अध्यक्ष होने के नाते काम आप ही करें और आप जो करना है प्रोसेस फॉलो कर लीजिए। बात ये भी सही है, हमने हमने कह दिया हम तुम्हारे को काम करने का पैसा चाहिए होगा, ये तरह का काम किया क्यों दिक्कत कर रहे हो जी? आप लोग विधायक जी के सामने जाकर कुछ भी बोलते हो, इसलिए प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। हम सामने पहली बार, अब आप शांत रहो। हमारी मुलाकात तो पहली बार, जब ये क्लियर कह दिया वन विभाग को कि अतिरिक्त आपने जो प्रावधान नहीं रखा, आपको कोई काम अतिरिक्त तात्कालिक बचाव के लिए करना पड़ता है, आपको धनराशि दी जाएगी, आप उस काम को टेकअप करिए, तो इसमें और किस भाषा में आपको कहेंगे, इससे स्पष्ट क्या कह सकते? और रावत नगर की आप बात कर रहे हो, वहाँ ऑलरेडी पैसा दे चुके हैं डीएम मैडम पहले, वहाँ तो पहले पैसा आया था। रावत नगर का 9 समथिंग का था, इंदिरा नगर का 13 समथिंग, वो तो